भाई और बहनों और भाभी के देवर देवर रहे, यानी कि हम लोग, हम दोनों ही रह गए, बाकी सारे मर गए। तो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। और भाई आज का लोकेशन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, आज हम आए हैं बहुत ही अच्छे लोकेशन पे। और फिलहाल आज हम आए शूट करने के लिए, तो शूट की लोकेशन दिखाएंगे आपको, ठीक है। हमारे साथ कौन कौन आया है वो भी दिखाएंगे, तो बने रहना हमारे साथ इस ब्लॉग में। पूरी टीम जा रही है हमारे साथ, ठीक है। तो आज शूट पे बहुत मजा आएगा। आज हमारे सेवा भाई आ चुके हैं, बहुत दिनों बाद लौट रहे हैं। और ये देखो प्रिंस भाई ने गाड़ी निकाल ली है। और यहाँ पे हमारे बिरजू भाई भी आ चुके हैं। तो हम सीधे मतलब लोकेशन पे जा रहे हैं हम सब लोग। हम गाड़ी के ऊपर निकल चुके हैं सर रूप से। और यहाँ पे देखिए हम लोग लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे शूट चालू हो गया है। और सेवा भैया कैसे हो बेटे, तुम रिफ्लेक्टर पकड़े, हमारे कैमरामैन भैया रेडी हैं। और यहाँ पे फिलहाल आईफोन से रील बनाई जा रही है। हाँ तुम रेडी हो? साइड साइड हाँ आ रही फिर अच्छा। चला ठीक है, भैया का नाम तो सुना ही होगा। तो भाई यहाँ पे शूट चल रहा है, और फिलहाल हमारा यहाँ पे शूट चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं भाई सब क्या चल रहा है यहाँ पे। और चलिए भाई लोकेशन चेंज करते हैं हम लोग। भाई और बहनों और भाभी के देवर देवर रहे, यानी कि हम लोग, हम दोनों ही रह गए, बाकी सारे मर गए। स्वागत है हमारे चैनल कलयुगी रावण भाई विशाल के ब्लॉग में, देसी ब्लॉग में, विशाल देसी ब्लॉग में। ले भैया तू पकड़, हम बोल रहे हैं बाहर लाओ। तो सेवैया वो ब्लॉग शूट कर रहे थे, देख रहे हैं एकदम। सेवैया की आदत है ना कि वो अपने चैनल पे कह रहे थे, तो उन्हें भैया आदत है, कोई नहीं। लेकिन फिलहाल उनकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हुई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है भाई यार, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई हमारे गुलू गुलूम 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 गुलूम। तो भाई हमारे ग्रुप का एक फाइनल डिसीजन आज हुआ है कि अगर हमारे ग्रुप में कोई भी अब्यूजिंग करता है, बाय द वे अगर कोई भी धोखे से गाली निकल जाती है, तो उस पे लगे कितने? 10 रुपए एक गाली के, ठीक है। ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि बाई चांस ऐसा होता है कि शूट के टाइम कोई गाली दे देता है, कोई कुछ गलत बात कह देता है, तो किसी को बुरा भी लग जाता है। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितने रुपया भैया? 10 रुपया। और वो 10-10 करके अगर 100 रुपये हो गए तो सीधा देने पड़ेंगे, और उससे होगी पार्टी। मतलब कि जो हमारा ग्रुप है वो, मतलब सारे ग्रुप के जो मेम्बर हैं वो सब लोग मिलके पार्टी करेंगे। तो भाई ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। और ये हमारे बड़े भाई का, मतलब कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा है, बड़े भाई ने ये टूर चालू किया। भाई अब दूसरी लोकेशन पे आ चुके हैं, एकदम बहुत ही खतरनाक लोकेशन पे आए हैं। अब क्या ही बताएं, आप देख के खुद समझ जाओगे कौन सी लोकेशन पे आए हैं। तो सेवा भाई कर चुके हैं, और लोकेशन देखो भाई, लोकेशन ये देखो भाई, पानी पानी, नहर नहर। और ये सेवा भाई भी उतर चुके हैं, और हमारे टीम मेंबर, जल्दी उतरा भाई जल्दी। और भाई साहब अभी हम आए हैं एकदम बहुत ही अच्छा पुल है, हमें नहीं पता ये कौन सा पुल है। जी देखो पुल है, और जिन नदी है, और वो देखो वहाँ पे ब्रिज है, और वहाँ पे देखो कुछ लोग हैं, वो प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, वो देखो, देख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे भाई अभी काम चल रहा है, यहाँ पे देखो कितने गाटर वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये देखो काम चल रहा है कुछ पटरी पे। जैन साहब आए थे हमारा शूट करने के लिए भाई, जैन साहब कैसा लग रहा है हम लोगों के साथ? बिल्कुल मस्त, परफेक्ट। तो फिर जल्दी से अपना कैमरा घुमाओ और एकदम से फोकस करो। तैयार नहीं है हमारी? अरे हम है रेडी यार, मॉडल वॉडल को छोड़ो, बंदे को पकड़ो भाई। हम जिस लोकेशन पे आए थे वहाँ का सीन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा व्यू है, दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हो यहाँ पे एकदम से, यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और ये इसमें शायद गैस भरी हुई है, जो नहीं बिल्डिंग करने के लिए गैस होती है। और यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, खेत वगैरह है, यहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत 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 अच्छा व्यू है। हमारे गुरु जी नहीं तोड़ो है, किले तोड़ो तोड़ो है, देवने देवन तोड़ो, बुला देवक बुला लो, अम्मा का मैं ना तोड़ो। भाई अभी भी शूट करके आ चुके हैं घर पे, और फिलहाल अभी जस्ट आ ही पाए हैं। अब हम आए थे एक अंकल जी हैं उनके घर पे, उनका स्टूडियो है, तो फिलहाल हम उनका स्टूडियो देखने के लिए आए हैं। तो आपको ले चलते हैं अंकल जी घर पे।
किधर? नीचे। अरे मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, सब लोग पहले जा चुके हैं। तो भाई ये देखिए, अब हम दिखाते हैं अंकल जी का स्टूडियो। वाह कितना अच्छा है ये मैनपुरी स्टूडियो, स्टूडियो मैनपुरी। यहाँ पे गाना वगैरह रिकॉर्ड होते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। तो यही अंकल जी है, इन्हीं का स्टूडियो है। तो ये देखिए, अच्छा गाना जो कि अभी अंकल सुना के दिखाएंगे, तो आपको भी सुनाइए कौन सा गाना है। ठीक है, तो बने रहना ब्लॉग में, बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत अच्छा गाना। ठीक है, तो चलिए आइए सुनाते हैं। निकाल ले गाना गा के, तो सब लोग गा चुके हैं। इनकी बारी थी, जेबी गा चुकी। अब आइए, ऐसे अच्छा आ रहा है। बारी अच्छा, तो देखते हैं इन्हें कौन सा गाना आता है। अभी इनको भी माइक पकड़ाएंगे, देखते हैं कौन सा गाना आता है। मुझे जो भी लगा प्यारा, तू भूल जाए।